Now we will start the discussion or the lecture about aldehydes and ketones. हम aldehydes and ketones के बारे में पिछले काफ़ी chapters में discuss करते रहे हैं for making some products like preparation of methods of preparation में या फिर reaction में. अब अपनी discussion को इन दो चीज़ों के ऊपर center करते हैं. तो aldehyde and ketones में जो main चीज़ आपने याद रखनी है वो है carbonyl. कार्बोनाइल ग्रुप. तो यहाँ पर आप मेरे पास देख सकते हैं एक कार्बन एटम है लाइक ऑलवेज, उसके साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का. तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप. एक साइड खाली है, यहाँ पे कोई चीज़ बॉन्ड बनाएगी. दूसरी साइड खाली है, यहाँ पे कोई चीज़ बॉन्ड बनाएगी. तो पॉसिबिलिटी क्या है? अब अगर इसके एक तरफ हम अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, अल्काइल एंड हाइड्रोजन, इस चीज को हम कहते हैं एल्डिहाइड. इजी. कार्बोनाइल इज सी डबल बॉन्ड ओ. एक साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप हो और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो तो ये हमारा अब कार्बोनाइल नहीं रहा बल्कि एल्डिहाइड बन गया. कार्बोनाइल को हम साइड पे यहां पर लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कार्बोनाइल क्या है. तो एल्डिहाइड हमने समझ लिया क्या होते हैं. कीटोन्स क्या होते हैं? अगर एक तरफ तो आर था, दूसरी तरफ H, अगर मैं H की जगह दूसरी तरफ R ही लगा दूं, यानी अल्काइल ग्रुप ही लगा दूं, तो अब ये कीटोन बन गया. वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो कार्बोनाइल ही एक ऐसी चीज है जिसके हम दोनों साइड पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं. अगर दोनों साइड पे अल्काइल होगा तो कीटोन, एक साइड पे अल्काइल दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड. अब इसका जनरल फॉर्मूला आप याद रखिए, चाहे ये कीटोन हो या चाहे एल्डिहाइड्स हो, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2nO होता है. ठीक है, आप हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे जब हम MCQs में जाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये तकरीबन बहुत सारी नेचुरली अकरिंग चीज़ों में पाए जाते हैं. और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, ये तो मोस्टली जितनी शुगर्स हैं उनमें एल्डिहाइड हमारे पास मौजूद होता है. और बहुत सारे जो एसेंशियल ऑयल्स या फ्रेग्रेंसेस होते हैं या फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है. एंड कीटोन ग्रुप भी इसी तरह कैम्फर एंड मैंथोन दोनों में प्रेजेंट होता है. तो दिस इज अबाउट लिटिल डिस्कशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड. नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम. हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रिकमेंड कीजिए.